हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे पोटेंशियल पे बेस्ड। अभी इसमें भी मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको करा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है। 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज एट 220 वोल्ट। आपके पास 27 स्मॉल ड्रॉप्स है, उनको मैंने चार्ज किया है 220 वोल्ट पे। दे कोलाइज टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। अब उन 27 ड्रॉप्स को मैंने मिला करके एक बड़ी ड्रॉप बना दी है, ठीक है। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। तो मुझे जो बड़ी ड्रॉप है उसका पोटेंशियल निकालना है। तो मैं इस डेरिवेशन को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या कहता हूं, लेट द रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज स्मॉलर एंड बिगर ड्रॉप, जो बिगर ड्रॉप है उसकी आपकी कैपिटल आर है। ये मैंने बोल दिया कि इसका जो पोटेंशियल होगा, देखिए अब यहां पे ध्यान दीजिए, पोटेंशियल ऑफ स्मॉल ड्रॉप, उसको मैं वी से दिखाऊंगा, वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है। क्योंकि आपके पास, सपोज मैंने वहां पे चार्ज क्यू ले लिया ड्रॉप के पास, और उसकी रेडियस, स्मॉल ड्रॉप की जो रेडियस है मैंने स्मॉल आर ले ली। और ऐसे ही अगर मैं निकालता हूं पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप, तो वो हो जाएगा आपका कितना, निकल के आ जाएगा उसका फॉर्मूला। मान लीजिए मैं वीडीएस से दिखा देता हूं, तो बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा। यहां से आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप कैपिटल क्यू अपॉन कैपिटल आर आ गया, और यहां पे स्मॉल क्यू अपॉन स्मॉल आर आ गया, दो चीजें आपकी निकल के आ गई हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखिए यहां पे आप इसको जब देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, आप इस पे ये लिखिए वेयर स्मॉल क्यू इज चार्ज ऑन स्मॉल ड्रॉप और कैपिटल क्यू इज चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप। अब आप एक बात समझिए, जो स्मॉलर ड्रॉप है उसके पास क्यू चार्ज है, दो होंगी तो टू की हो जाएगा, थ्री होंगी तो थ्री की हो जाएगा। अब 27 मिलके बनी तो बड़ी ड्रॉप है ना, तो बड़ी ड्रॉप के पास चार्ज कितना होगा 27 स्मॉल ड्रॉप का। तो यहां पे आप ध्यान से समझिए, आप यहां पे लिख देंगे चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, कैपिटल क्यू जो होगा वो 27 टाइम्स होगा स्मॉल क्यू के। फिर मैं बोल रहा हूं जो कैपिटल क्यू की वैल्यू होगी वो 27 टाइम्स स्मॉल क्यू की, क्योंकि 27 मिलने से वो बना हुआ है। तो आपका जो वी डैश आया था, क्या आया था आपका, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर था, उसको मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27 क्यू अपॉन कैपिटल आर लिख सकता हूं, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों करने वाला हूं, देखिए यहां पे से आप समझते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन को। और आपके पास क्या था, देखिए आपके पास था v इज इक्वल टू था, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर था। यहां से q की वैल्यू में क्या निकाल सकता हूं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r इंटू वी। तो q की जगह पे लिख सकता हूं मैं ये, क्योंकि मुझे पोटेंशियल दिया हुआ था स्मॉलर ड्रॉप का, वो था मेरा 220 वोल्ट। तो v मुझे 220 वोल्ट दिया है, इसलिए मैं इस एक्सप्रेशन को स्मॉल v के टर्म्स में लिखने जा रहा हूं। तो मेरा वीडियस आ जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 27 क्यू था, तो 27 अपॉन आर तो है, क्यू की वैल्यू हो गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर इंटू वी। ये कैंसिल हो गया आपका, देखिए आपने क्या लिख देना है, 27 स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू वी। ये किसकी वैल्यू, वीडियस की वैल्यू हो गई है। अब आप ध्यान दीजिए, अब आपको अगर कोई रिलेशन स्मॉल आर और कैपिटल आर में मिल जाए तो फिर बात सॉल्व हो जाए। अब आप एक समझ के चलिए, जैसे आपके पास, मान लीजिए घर में आपने आटा गूंथते हुए देखा होगा, मम्मी को आटा गूंथती हैं, उसके बाद रोटी बनाने के लिए क्या करते हैं, वो आटे में से हम छोटी छोटी गोलियां बनाते हैं, और उस छोटी छोटी गोलियों से हम लोग रोटी बनाते हैं। तो होता क्या है कि अगर आप मान के चलिए आपके पास पूरा आटा है, उससे आप 27 छोटी छोटी गोलियां बना रहे हैं, तो बच्चों क्या होगा, जो डेंसिटी है वो आटे की, पहले जो पूरा आटा है उसकी और बाद वाले की सेम होगी,
और मास भी सेम होगा, तो मास सेम है, डेंसिटी सेम है, तो जो बड़े वाले आटे की जो पहले आटा रखा हुआ था उसका जो वॉल्यूम है और जो 27 छोटी छोटी लोइयां जो है उनका जो वॉल्यूम होगा वो सेम होगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि 27 स्मॉल ड्रॉप मिलके एक बड़ी ड्रॉप बन रही है, तो 27 का जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा किसके, बड़ी वाली ड्रॉप के वॉल्यूम के इक्वल, समझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपने छोटी छोटी ड्रॉप्स को मिला के बनाया है, आप ऐसे बोल रहे हैं कि 27 छोटी 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 ड्रॉप्स है इनको मिलके बड़ी ड्रॉप बन रही है, तो आप बोलेंगे एज 27 स्मॉल ड्रॉप्स फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप। सो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इज इक्वल टू 27 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, बिगर ड्रॉप का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, और यहां 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा बच्चों, ठीक है। जो आपकी ड्रॉप होती है वो स्फेरिकल होती है और स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट हो गया, यहां पे आपका एक 27 आर क्यूब है, 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूं, 3 × 3 9, 9 × 3 27, तो यहाँ आर क्यूब जो है यहाँ पे 3R का क्यूब हो गया, तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3R, तो जहां पे आपका कैपिटल R है वहां पे आप 3R लिख सकते हैं। तो नाउ क्या हो जाएगा, देखिए V डैश आपका था कितना 27R अपॉन R इंटू V था, तो 27 स्मॉल R अपॉन 3R इंटू V, ये कैंसिल हो गया, 9 आ गया, तो 9 इंटू V हो गया, और V की वैल्यू कितनी 220 वोल्ट, बस इसको मल्टीप्लाई करिए आपका फाइनल आंसर आ गया, कितना आ जाएगा 0, 9 × 18, 9 × 18 = 1, 9 इतना वोल्ट हो जाएगा। तो आपकी जब इस तरीके से बॉल्स मिल करके, मतलब ड्रॉप्स मिलके एक बड़ी ड्रॉप को बनाएंगी, तो उनका जो पोटेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 1980 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसमें, और देखिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस, द रेडियस is 6.6 × 10⁻⁻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 ⁻
माइनस 15 मीटर एंड एटॉमिक नंबर इज जेड इक्वल टू 79। एटॉमिक नंबर आपको 79 दिया है। आपको इसकी सरफेस पे क्वेश्चन है, इसकी सरफेस पे आपको क्या करना है, पोटेंशियल बताना है। देखिए जैसे आपके पास एक गोल्ड का न्यूक्लियस की बात करें तो देखो न्यूक्लियस ये होता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं। न्यूक्लियस के पास बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसमें कंट्रीब्यूशन कौन करता है, जैसे मैंने बोला था अगर आप जेड एक्स ए लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि जेड जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को दिखाएगा, यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को दिखाएगा और यही आपका एटॉमिक नंबर भी होता है। ठीक है, तो जेड प्रोटॉन है तो जो चार्ज होगा न्यूक्लियस को वो कौन दे रहे हैं चार्ज, प्रोटॉन्स दे रहे हैं, तो जेड प्रोटॉन्स। तो आपके पास जो जेड है वो 79 है। अब देखिए आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, V इज इक्वल टू 1 अपॉन
v इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r होता है। तो r तो बच्चों इसकी सेंटर से ये रेडियस दे रखी है उसने, r तो आपको उसने दिया है कितना 6.6 into 10 raised to the power minus 15 मीटर r दिया हुआ है। अब आई बात q की, तो q इज इक्वल टू n ही होता है, n था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं आपके पास 79, तो यहाँ पे 79 e हो जाएगा और 79 e की वैल्यू है 1.6 into 10 raised to the power minus 19, तो बस वैल्यू लिख दो 9 to 10 raised to the power 9, q की वैल्यू कितनी है 1.6 into 10 raised to the power minus 19 और r आपको दिया है 6.6 into 10 raised to the power minus 15 मीटर। इसमें हम वैल्यू पुट कर दें तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा, zx के हिसाब से उसके पास 79 है और रेडियस दिया था 1/4πε0q/r। न्यूक्लियस के पास क्या होते हैं प्रोटॉन, कितने प्रोटॉन होंगे 79, एक प्रोटॉन के पास चार्ज e होता है तो 79 के पास 79 e हो जाएगा। 79 को मल्टीप्लाई किया 1.6 into 10 raised to the power minus 19, ये आपका प्रोटॉन के ऊपर चार्ज है। इस फॉर्मूले में आप पोटेंशियल के पुट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो यह आएगा 1.7 into 10 raised to the power 7। थैंक यू।